बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको आज के वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हमने आपकी डिमांड पर, आपकी ख्वाहिशों को सामने रखकर, बल्कि जो आप कमेंट्स करते रहते हैं उन कमेंट्स को सामने रखकर हमने सर्च की है और फाइनली यूएई में, अबू धाबी में, कुछ दुबई में जॉब्स आ रही हैं वो हमने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड रखी हैं। तो दोस्तों, ये तमाम जॉब्स आप तक पहुंचाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे रेड बटन को आप सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जुड़े बेल आइकान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज इस वीडियो में, जैसे कि मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि दुबई की जॉब्स मौजूद हैं और पाकिस्तानियों के लिए भी हैं कुछ पोजिशंस, और इससे ज़्यादा भी इंडियन दोस्तों के लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं। तो तमाम डिटेल हम आप तक पहुँचाते हैं। मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको आप सामने रखकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बेहतर हो गया, जॉब्स की डिटेल की हम बात करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वही डिटेल आप तक पहुँचाएँ जो हमें अर्जेंटली मिल जाती है और इमीडिएटली आपने भी ज्वाइन करना होता है इनको। ड्राइवर की ज़रूरत है, HTV लाइट ड्राइवर इनको नीडेड है और 1950 तक सैलरी पैकेज आपको ये दे रहे हैं और फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं आपको ये एजेंट। अच्छा, आगे आपको ये जब कंपनी की तरफ रवाना करेंगे तो वो आपको तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। अच्छा, तो इंतहाई मुनासिब अखराजात और वो सर्विस चार्जेस इनकी होगी और कोई रकम आपने पेड नहीं करनी। फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है, एयर टिकट फ्री है और तमाम सहूलतें बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं। मायदा 2 साल का होगा और ड्यूटी 8 घंटे होगी और इसमें उम्र का ख्याल रखिएगा कि 21 साल से उम्र ज़्यादा हो, 45 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उम्र का ख्याल रखते हुए लाइट ड्राइवर के लिए अप्लाई करें। तनख्वाह भी मैंने आपको बताई, अगर आपका गल्फ का तजुर्बा है तो बेहतर हो गया, अगर गल्फ का लाइसेंस है तो जल्दी आपको रिस्पांस मिल रहा है और पाकिस्तान का लाइसेंस भी है तो काम भी चल जाएगा, इनसे बात आप कर सकते हैं। ये इनकी पूरी डिटेल है, आप तक हमने पहुंचाई। इंटरव्यूज़ जो हैं जारी हो गए हैं डेलीगेशन की मौजूदगी में और हरमैन टेरा टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, और इस कंपनी के साथ अपनी बात अपनी करनी है और इनके कॉल नंबर बिल्कुल लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कर लें ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें और मज़ीद जॉब्स आप तक पहुंचा सकें। तो अभी दोस्तों, एक और एक कंसल्टेंसी है यूएई की, जो बल्कि पाकिस्तान की, जो यूएई में आपको जो है भेज रही है और आपको सपोर्ट कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी ये आपको दे रहे हैं और फौरी ज़रूरत होगी यूएई में। अच्छा, तो मैं आपको ये इस दरमियान ये बात आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपने कोविड की वैक्सीन कार्ड का आपने जो है अपने साथ लाजमी इनको सेंड करना है ईमेल पर, या अदरवाइज़ किस तरह से आप अप्लाई करते हैं तो जो आपके पास से कोविड का वैक्सीन कार्ड है वो आपने लाजमी शो ऑफ करना है ताकि उनको, अगले बंदों को मालूम हो सके कि आपने कोविड की वैक्सीन करवाई हुई है पहले ही। अच्छा, तो ऐसे ना तो आपकी एंट्री नहीं होगी। HVAC टेक्नीशियंस इनको नीडेड है, पोजीशन ऑलरेडी आप तक हमने पहुँचाई हैं। जूनियर HVAC टेक्नीशियंस चाहिए, गर्ल्स रिटर्न्स बंदे इनको नीडेड हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस चाहिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस नीडेड हैं। लेबर की पोजीशंस आ रही हैं 15 तदाद में, और किसी की 15 तदाद में, किसी की 10 तदाद में पोजीशंस अवेलेबल हैं। बिल्कुल हाईलाइटली आपकी स्क्रीन पर डिटेल मौजूद है। उम्र का ख्याल रखें कि 40 साल से ज़्यादा उम्र ना होनी चाहिए, 22 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। और इंटरव्यूज़ आपके चल रहे हैं भाई, तो अगर आप इनको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स सेंड करना चाहते हैं तो ये इस कंसल्टेंसी की डिटेल है, इनकी ईमेल भी हमने आप तक पहुँचाई, आप स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इनसे आप आज ही अपने कागजात वगैरह शेयर करें, इनसे बात आप कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान की ये कंसल्टेंसी की डिटेल हमने आप तक पहुँचाई है। आगे हम वीडियो में तमाम जॉब्स इंडिया की पेश करने जा रहे हैं। इंडिया से जो हमारे दोस्त अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी और ज़बरदस्त रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी की डिटेल हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अच्छा, अगर बात होती है कंसल्टेंसी की रजिस्ट्रेशन की तो आप MCA इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इनकी रजिस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल तरीक़ेकार सिंपल है, आपको मालूम हो सकेगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है इनकी रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए। अच्छा, तो मज़ीद जॉब्स के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके साथ। बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, पोजीशन ऑलरेडी हमने आप तक पहुँचाई है। जनरेटर इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, जनरेटर मैकेनिक इनको नीडेड हैं। इलेक्ट्रिकल हेल्पर इनको बंदे नीडेड हैं और सैलरी पैकेज सामने ही लिखे हुए हैं। जो बंदे अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स इनके साथ शेयर करें, जिसमें डिप्लोमा आपकी डिग्री आपके पास होनी लाजमी है। जिन बंदों की डिप्लोमा क्लियर है तो वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा क्लियर बंदों को रिस्पॉन्स जल्दी मिलता है।
और फ्री में अकोमोडेशन आपको कंपनी दे रही है, फूड आपको नहीं मिल रहा, वो आपने खुद जो है आपने अपनी सैलरी के दरमियान से आपने उसका पैकेज निकालना है, ठीक है। तो 9 घंटे ड्यूटी है आपकी, ओवर टाइम के साथ सैलरी होगी। अच्छा, तो 21 साल से उम्र ज़्यादा हो, 38 साल से उम्र ज़्यादा ना होनी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट्स हाईलाइट करते हैं, ये जो अपनी शरायत हाईलाइट करते हैं, तो वो भी हम आपके साथ तफसीली बात करते हैं कि इन पोजीशंस के लिए ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की हुई है। अच्छा, तो अब जल्दी से इनसे बात कर सकते हैं, कंपनी की ये डिटेल हमने आप तक पहुँचाई है। नीचे इनकी ईमेल भी मौजूद है, ऊपर कॉल नंबर भी मौजूद हैं, और 28 अगस्त से आपके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं दुबई में, इनसे आप बात आज ही कर लीजिएगा। चलें, एक और एक कंसल्टेंसी की डिटेल मैं पेश करने जा रहा हूँ। यहाँ पर इनको दोस्तों इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, HVAC टेक्नीशियन, मल्टी टेक्नीशियंस, चिलर टेक्नीशियंस और AC टेक्नीशियंस, मेसन, इसी के साथ फर्नीचर कारपेंटर, क्लीनर इनको नीडेड हैं। सैलरी डिपेंड करती है एक्सपीरियंस के बुनियाद पर। 31 अगस्त से आपके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, और कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं, मेंटेनेंस में उनका कोई तजुर्बा लाजमी होना चाहिए, गल्फ एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। 9 घंटे ड्यूटी होगी, ओवर टाइम के साथ सैलरी होगी, फूड वगैरह भी आपको दे रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन भी आपको दे रहे हैं, और तमाम सहूलतें मकामी लेबर लॉ के मुताबिक आपको दी जाएंगी। 22 साल से उम्र ज़्यादा हो, 42 साल से उम्र ज़्यादा ना होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस कंसल्टेंसी की डिटेल है, RA ट्रेवल्स, इनकी पूरी डिटेल आप स्क्रीन से चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है, तो इस पर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि गल्फ में जो कहीं भी जहाँ पर भी जॉब्स आ जाती हैं, वैकेंसी सामने आ जाती हैं, तो वो डिटेल हम आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ तक डिटेल नोट कर ली होगी, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों, मैं लास्ट कटिंग एक पेश करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। तो ये एक और एक कंसल्टेंसी की डिटेल मैंने आप तक पहुँचाई हुई है। असिस्टेंट टेक्नीशियंस चाहिए, BMS ऑपरेटर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस, AC टेक्नीशियंस, MEP मल्टी टेक्नीशियंस, और सिविल में इनको बंदे नीडेड हैं, टेक्नीशियंस, प्लम्बर, मेसन और फर्नीचर कारपेंटर की यहाँ पर भी ज़रूरत है। मुख्तलफ कंसल्टेंसी की डिटेल हमने आप तक पहुँचाई हुई है, इसमें भी कुछ पोजिशन सेम है, मगर ये एक और डिटेल हमने आप तक पहुँचाई है, एक और जगह पर वैकेंसीज आ रही हैं। तो फाइनली आपके 2 सितंबर से आपके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, और इनसे बात करने के लिए आपकी स्क्रीन पर हम जल्दी कॉल नंबर भी शेयर करने वाले हैं। तो पहले आप क्या करें कि इनकी पूरी डिटेल, ये जो पोजीशन हमने आप हाईलाइट की हुई है विथ जॉब डिस्क्रिप्शन, आप इसका बल्कि तो ये हमने जो आपकी स्क्रीन पर की पोजीशन हाईलाइट की हुई है, तो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और बाद में इत्मीनान से जूम करके चेक कर लीजिएगा। UAE का लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए अगर आपने अप्लाई करना है भाईजान। तो ये इस कंसल्टेंसी की डिटेल आप तक हमने पहुँचाई है, इस कंसल्टेंसी को आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने शेयर करने हैं, इंशाल्लाह जल्द ही आपको रिस्पांस मिलेगा। और कॉल नंबर बिल्कुल मौजूद है, पूरी डिटेल इनकी मौजूद है, तो इस कंसल्टेंसी के साथ अपने कागजात शेयर करें, और इनकी रजिस्ट्रेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि वीडियो के दरमियान मैंने आपको बताया था कि MCA इंडिया की वेबसाइट पर जाकर उनकी रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हैं, नाम लिखेंगे तो डिटेल आ जाती है। अच्छा, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने यहाँ तक डिटेल नोट कर ली होगी। मैं लाजमी बात जो आपसे करना चाहता हूँ, और वीडियो में तमाम वीडियोज़ में इंक्लूड रखते हैं कि ये तमाम दोस्तों जॉब्स जो हैं वो थर्ड पार्टीज़ हैं। थर्ड पार्टीज़ जॉब से मुराद यही होता है कि ये एजेंट जो हैं इस दरमियान आपके इंटरव्यूज़ लेते हैं, ये डायरेक्टली कंपनी की जॉब्स नहीं होती। अगर आपने अप्लाई करना है तो एहतियात आपने लाजमी करना है, और एहतियात रखते हुए अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी से रिस्पांस मिलेगा। तो ये तमाम जॉब्स थर्ड पार्टीज़ हैं, एहतियात आपने लाजमी करना है, एहतियात से अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह रिस्पांस भी आपको मिलेगा। अगली वीडियो तक अपने दोस्त साजिद अली को दीजिएगा इजाज़त, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।